अध्याय 7 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटी अनुपात। यह अनुपात क्या होता है? समान इकाई वाली राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि हमें दो वस्तुओं के वजन का तुलनात्मक अध्ययन करना हो और एक वस्तु 50 ग्राम की हो और दूसरी 100 ग्राम की, तो इनके बीच अनुपात कितना हुआ? 1:2। वैसे ही हम वस्तुओं की लंबाइयों का भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ये तो हुआ अनुपात, पर समानुपात क्या होता है? चलिए, अनुपात और समानुपात को समझने के लिए हम चलते हैं बच्चों के बीच। तो बोला रबड़ है। अरे शांत रहो। तो अंकल, तू अंकल। अरे छोटू, मुझे मैथ्स की बुक देना। तुम्हें को छोटू क्यों बोली? मैं तेरे को नहीं दूंगा बुक। ओके पागल, तेरे को छोटू है तो छोटू नहीं बोलेंगे क्या? तो मेरा नाम कोमल है तो मेरे कोमल बोलेंगे। वाह, वो लंबू है तो छोटू है, इसलिए तेरे को छोटू बोलते हैं। वाह, तेरे को अभी पता नहीं है, रुक जा, तेरे को बताता हूँ। ये कैसी जा रहा है? क्यों जा रहा है? अच्छा देख, क्या बताएगा तू? खून भी दिया। रुक जा, अभी बताता हूँ। चले सबकी सबकी घुटने से एड़ी तक की लंबाई बराबर होती है। कैसे? रुको, अभी तुम लोग को दिखाता हूँ, देखना। एक बालिश, दो बालिश और ये चार उंगल। अब तुम लोग भी नाप के देखो, सबका बराबर है। मुझे नोट करने दो। चलो अदिति करो। एक बालिश, दो बालिश और चार उंगल। देख, हाँ, मैंने बोला था ना, बड़ा बोला। अच्छा दामिनी, तू भी कर। एक बालिश, दो बालिश, रुकना, चार उंगल। इसका भी बराबर है, देख। तो उसका तो बच्चा है ना, उसको देखते रहो। एक बालिश, दो बालिश, ये चार उंगल। देखो एक बालिश, अभी वो बच्चा है। दो बालिश, चार उंगल। मैं भी अपना करके देखती हूँ। एक बालिश, दो बालिश और चार उंगल, सभी का सेम आ रहा बराबर, दो बालिश का चार उंगल। अब चलो पैर का हो गया, अब हाथ का भी देखते हैं। कंधे से कलाई तक की लंबाई को अपने अपने बालिश से नाप कर देखते हैं, आता है कि नहीं। ठीक है, चल तू पहले नाप। ठीक है, देख, एक बालिश, दो बालिश तो ये चार उंगल। अरे तू नाप तो। एक बालिश, दो बालिश तो ये चार उंगल। अरे एक लंबा है, एक छोटा है, तब भी दोनों का माप एकदम बराबर आ रहा है, ये कैसा? तुम लोग को पता है? मुझे पता है इसका कारण। क्या इसका कारण पता है? मेरे को बताऊं? देखो, वो छोटू है ना, तो उसका हाथ भी छोटा होगा ये नापने का। जैसे मैं लंबू, मैं बड़ी हूँ तो इतना बड़ा है ना मेरा, तो उसका थोड़ा छोटा होगा, इसलिए उसका वैसे आ रहा है। और वो लंबू है तो वो नापेगा ना, तो उसका उतना ही आएगा, क्योंकि वो लंबू और छोटू है तो हाथ भी वैसा ही होगा। अच्छा चलो, हम लोग भी अपने अपने नाप के देखते। हाँ, हाथ का नापते। तुम्हें को कहते हैं छोटू मत बोला। एक बालिश, दो बालिश, हाँ, चार उंगल। तुम लोग को पहले ही बोला था, बैठा पहले ही बोला था। कौन बताया? छोटू ही है। आप सभी ने अभी देखा कि अलग अलग ऊंचाई वाले इन सभी बच्चों का एड़ी से घुटने तक का लंबाई और कंधे से कलाई तक की लंबाई दो बालिश और चार उंगल आई। यही नाप कोमल का भी आया। कोमल याने वह बच्चा जिसे सभी लोग छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, और बाकी बच्चों का भी हमें यही नाप प्राप्त हुआ, यानी कि सभी के लिए उनकी बालिश व एड़ी से घुटने तक की लंबाई का अनुपात और उनकी बालिश व कंधे से कलाई तक की लंबाई का जो अनुपात होता है वो समान होता है। इन्हें हम समानुपाती कहेंगे। एक और उदाहरण पर नजर डालते हैं। यदि एक बैग में 3 काली और 9 सफेद गेंदे हैं, तो हम कह सकते हैं कि काली गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या की 1/3 यानी 1/3 है। सफेद गेंदों की संख्या काली गेंदों की संख्या की तिगुनी है। काली गेंदे अनुपात सफेद गेंदे, 3:9 यानी 1:3। इसी प्रकार यदि केले के पौधे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर व आम के पौधे की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर हो, तो उनका अनुपात होगा 20:60 यानी 1:3। ये वही अनुपात है जो काली गेंदों और सफेद गेंदों के बीच का था। अतः हम कह सकते हैं कि ये समानुपाती है। सोचें एवं चर्चा करें।
अपने आसपास से कोई 5 उदाहरण बताएं जहां वस्तुओं की संख्याओं के निश्चित अनुपात या समानुपात मिलते हों। रेहाना कक्षा 8वीं और फरीदा कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। दोनों को आज अपनी अपनी कक्षा में गणित विषय का परिणाम बताया गया है। रेहाना और फरीदा ने घर जाकर अपनी मम्मी को अपना अपना परिणाम बताया। मम्मी, मुझे गणित में 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए हैं। अच्छा, और फरीदा तुम्हें? मुझे 150 में 110। अरे दीदी का परिणाम तो मुझसे भी अच्छा है। कैसे? दीदी को मुझसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए दीदी का परिणाम मुझसे ज्यादा अच्छा है। हाँ, मेरे 110 आए और इसके 80। लेकिन फरीदा, रेहाना को तो 100 में से 80 अंक मिले हैं और तुम्हें तो 150 में से 110 अंक मिले हैं, तो तुमने यह कैसे पता लगाया कि तुम्हारा परिणाम रेहाना से ज्यादा अच्छा है? मम्मी, मेरे आए हैं 110 और इसके आए 80। अगर 110 में से 80 घटाएंगे तो आया 30, मतलब मेरे 30 अंक ज्यादा है रेहाना से। लेकिन तुम दोनों के पूर्णांक तो अलग अलग हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि किसका परिणाम अच्छा है। जो जो अंक मिले हैं उन्हें हम कुल अंकों के अनुपात में देखें तो हम कह सकते हैं कि रेहाना को अंक मिले 80/100 बराबर 8/10 यानी कि 4/5 और फरीदा को अंक मिले 110/150 बराबर 11/15। अब हम दोनों की तुलना करने के लिए हर को समान कर लेते हैं तो रेहाना के अंक 4/5 गुणित 3/3 बराबर 12/15 यानी कि 15 में से 12 और फरीदा के अंक 11/15 यानी कि 15 में से 11 और 12/15 11/15 से बड़ा होता है तो रेहाना का परिणाम ज्यादा अच्छा है। मम्मी, क्या इसको निकालने का कोई और तरीका है? हाँ, इसे हम प्रतिशत के द्वारा भी कर सकते हैं।